मौली तो ठीक हो जाती है और एक बार ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक स्नो व्हाइट को उसकी सौतेली माँ जहरीली कंघी देकर मारने की कोशिश करती है, जो कि मैरी के रूप में अब तक थी। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी और मैं आपको इस हालत में देखूंगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें स्नो व्हाइट को उसके घर ले जाना चाहिए। रो मत प्यारी मौली, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, सब ठीक होगा। चिंता मत करो मौली, हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। बस बहुत हो गया, मैं भी आ रहा हूँ। मैं इस बात को राजी रखूंगा, ये सब मेरी गलती से हुआ है। अगर मैं होशियारी से काम लेता तो ऐसा नहीं होता। मुझे मदद करनी है, इतना तो मैं स्नो व्हाइट के लिए कर ही सकता हूँ ना। आप मुझे इसकी मदद करने दीजिए, तुम चिंता मत करना। जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? सिर्फ आप हैं महारानी। आखिरकार मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा है। मैं अब इस राज्य की सबसे सुंदर औरत हूँ। चलो स्नो व्हाइट की मौत का जश्न मनाएंगे। उस बेवकूफ लड़की की आत्मा को कभी शांति न मिले। आज की रात मुझे बहुत चैन की नींद आएगी। ये तो बहुत गलत हुआ। चिंता मत करो दोस्तों, हमें बस उस जीवन के पेड़ को ही तो काटना है, और क्या? टोल्डी, और कोई रास्ता नहीं है, यही एक तरीका है। अब तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम मर गए तो तुम्हें लगता है क्या कि स्नो व्हाइट खुश होगी ये जानकर? मेरी बात सुनो, हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए, सब शांत रहो। लेकिन हम उसे बचाएं कैसे? हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, हम ऐसे ही उम्मीद नहीं छोड़ सकते, हमें उसे बचाना होगा। हम सभी को एक होना होगा, जितना स्नो व्हाइट ने हमारे लिए किया है हम उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। ये क्या हो रहा है? ये तो उम्मीद का फल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच है? मैं उम्मीद की परी हूँ और मैं यहाँ आप सबकी मदद करने आई हूँ। कितनी अच्छी बात है, हमारी मदद करो ना। माफ करना, मगर ये सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्नो व्हाइट को कैसे बचाना है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कैसे बताओ? दिल के बीच में एक सूर्य होता है, अगर तुम उसे छू लो जो तुम चाहोगे वही होगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। क्या तुम इतना ही बताने वाले हो इस सब के बारे में? और बताओ ना। मुझे जो कुछ बताना था मैंने बता दिया, अब आगे तुम पर निर्भर होता है। अरे नहीं, ये तुमने क्या बोला ये तो बताओ। अरे नहीं, उठ जाओ, सो नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया दिल के बीच में, पर इसका जवाब मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं कहाँ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं किसी जादुई दुनिया में हूँ? मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं अब कहाँ हूँ? लग रहा है कि जैसे कोई जादुई दुनिया है। माफ कीजिए मुझे श्रीमान, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं।
क्या आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ हैं? ये एक खास जगह है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस दुनिया में हम लोगों का कोई शरीर नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर शरीर नहीं होता? यहाँ सब लोग खुश और शांति के साथ रहते हैं। हमेशा शांति और खुशी के साथ? सही समझी बच्ची, हमेशा के लिए खुशी और शांति रहती है। हमेशा के लिए? यहाँ पर हम सब शरीर से आजाद हैं, लेकिन आत्मा रहती है। जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? इस राज्य में आप सबसे सुंदर हैं। मैं जानती हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोलते। क्या स्नो वाइट सच में मर चुकी है? क्या मेरी खूबसूरती के आगे आप कोई नहीं टिकेगा? आप गलत हैं महारानी। क्या कहा तुमने? छोटी सी बच्ची स्नो वाइट को मारने के लिए आपने जादू का सहारा लिया, लेकिन इसने आपको और परेशान कर दिया है। तो क्या हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे जवाब दो। चुप क्यों हो? मेरे साथ क्या हो रहा है? भविष्य में आप कुछ ऐसी दिखेंगे महारानी। चुप रहो, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चुप हो जाओ। मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ, बताओ मुझे। कोई भी जादूगर समय को नहीं रोक सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? ये पहेली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल और दिल के बीच का सूर्य खुशी देता है, मगर ये मुमकिन कैसे हो सकता है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। केवल बोलने से इसका हल नहीं निकलेगा, समझे? अरे हल निकालने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमें इस सवाल का जल्दी जवाब निकालना पड़ेगा, वरना हमें देर हो जाएगी। जल्दी सोचो। सूर्य, यदि आप इसे छू सकते हो तो कोई भी इच्छा सच हो जाएगी। तुम इतने दूर क्यों हो? मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ? मुझे जवाब दो, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम ठीक हो ना? दिल के बीच में सूरज, दिल के बीच में सूरज, रुको। हाँ, मुझे मिल गया। ओ सुनिए, मेरे लिए रुकिए, मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूँ। इंतजार। मैंने आपकी हर एक बात सुनी, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तुम्हें बस चलते रहना चाहिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्या चलती रहूं? पर मैं कहां जाऊं? इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं कहां जाऊं। तो मुझे वहां जाना है। वो चट्टान तो बिल्कुल बीच में है, और उसे उसी समय पहुंचना होगा जब सूरज सर पर आ जाए। इसका मतलब जैक को वहाँ समय पे पहुँचना है। इतना भी आसान नहीं है। ये झील के पास गल्फी राक्षस रहता है, सोच के ही डर लगता है। और लोगों का कहना है कि वो हमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है।
वो अकेला है और इसलिए लोगों का पीछा करता है। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता बल्कि दोस्ती करना चाहता है। डेल्फी को तो बड़ा मजा आता होगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत खतरनाक है। अरे नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उस झील के बीचों बीच जा कर ही रहूंगा, भले ही मुझे तैरना क्यों ना पड़े। जैक, मैं भी आऊंगा। मैं भी। ये इतने सारे लोगों का वजन नहीं सह पाएगा, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। चिंता मत करो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्नो व्हाइट को बचाऊं, तो तुम सबको यही रुकना होगा। मुझे अकेले जाने दो। लेकिन राक्षस गल्फी का क्या? समझ गए जॉली, ध्यान रखना जैक। हाँ ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी उम्मीदें तुम पर टिकी है जैक। अपनी हट में रहो। सुनो जॉली। जैक सावधान रहना, सूर्य को चट्टान के ठीक ऊपर होना चाहिए जब तुम चट्टान को छुओगे। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, और अगर तुमसे कोई गलती हुई तो सब कुछ हमेशा के लिए गड़बड़ हो जाएगा। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना जैक, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ करिए महारानी, पर यह मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता। देखना, मैं अपनी आंखों से उसे मिटा के रख दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी सुंदरता के बिना नहीं रह सकती। मैं जी नहीं सकती। मैं बदसूरत होके कभी नहीं जी सकती। शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं ये करके रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि गॉल्फी ने मुझे अभी तक तो नहीं देखा होगा, पर कुछ कह नहीं सकते। हाँ? तो और पास आ रहा है। छोड़ दो मुझे, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। सब समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। अब ये लो। स्नो व्हाइट, माँ, आ,
उदास मत हो मेरी बच्ची स्नो वाइट। माँ, अगर आप इस दुनिया की होती तो मैं आपको अपने गले लगा लेती स्नो वाइट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नामुमकिन है। स्नो वाइट, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्नो वाइट, आप कितनी बड़ी हो गई हैं? ओह माँ, आप मुझे कितने सालों बाद मिली हैं, अब मैं आपको सब बताऊंगी। हाँ? लेकिन क्यों माँ? तुम यहाँ नहीं रुक सकती, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे आसपास। हालांकि तुम मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मुझे सब पता है। वो दिन मुझे याद है जब तुम हरी घाटी की महारानी बनना चाहती थी, और मैंने एहसास किया कि तुम कितनी जिम्मेदार हो गई हो, तुम कितना कुछ करना चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने राज्य में शांति बनाए रखो, और हमेशा लोग तुम्हारे राज्य में खुशहाल बने रहें, प्रेम, एकता और समानता तुम्हारे राज्य में रहे। क्या वो वाकई मेरा राज्य है? हाँ बिल्कुल, पर क्या मैं उस राज्य को चलाने के लायक हूँ? अपने आप पर विश्वास रखो, लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं। हाँ भूल जाते हैं, मैंने देखा है कि लोग अक्सर दयालु नहीं होते। थोड़ी देर में तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा, और तुम्हें उस रास्ते से वहीं जाना है जहाँ से तुम आई थी। जी माँ। माँ आपको? बोलो बच्ची। छोड़ के जाने के विचार से दुख होता है। मेरा भी बच्ची। स्नो वाइट अपने नन्हे दोस्तों और जैक का शुक्रगुजार होती है, क्योंकि उनकी वजह से आज वो फिर जिंदा है। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाई, जैक इतना उतावला है, जल्दी में चला गया। वो उतावला नहीं है, बस तुमसे थोड़ा शर्मा रहा है वो स्नो वाइट। ओ गोल्डी, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों ना आज हम सब शाम को जश्न मनाए। आ जाओ स्नो वाइट, अंदर चलती है। स्नो वाइट, क्या हुआ स्नो वाइट? ये स्नो वाइट को क्या हुआ? जहर के कारण हो रहा है। क्या मतलब जादुई परी? जहर इतना तेज होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब हर रात स्नो वाइट संगमरमर की मूर्ति बन जाएगी, और सुबह होते ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाएगी। जहर का असर अब भी उतरा नहीं है। अरे नहीं, क्या करें अब? स्नो वाइट जीवित तो हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो रानी के दिए हुए जहर से पूरी तरह उभर नहीं पाई थी, और जैसे ही सूरज ढलता वो फिर उसकी शिकार हो जाती।